हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं फ्रोज़न टिक्कियाँ, जिन्हें आप बर्गर में लगा के यूज़ कर सकते हैं या आप वैसे भी खा सकते हैं उन्हें, और उनको आप स्टोर करके 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको खानी हो आप सीधा उन्हें फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हमारी टिक्कियाँ। फ्रोज़न टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम पोटैटो। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। ये मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, ये हम इसके अंदर निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने लिए हैं ये स्वीट कॉर्न, ये भी मैंने बॉइल्ड किए हुए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये शिमला मिर्च, इसको भी मैंने हल्का बॉइल किया हुआ है। आप इसमें बॉइल्ड या हल्की स्टीम वेजिटेबल्स ही लेनी है तो हम वही ले रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये अनियन, ये भी मैंने बारीक चॉप की हुई है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये मटर, इसको भी मैंने बॉइल किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्ली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ गार्लिक, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ जिंजर, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिल्ली फ्लेक्स। आप चिल्ली फ्लेक्स की जगह इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ऑर्गेनो, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप कोरिएंडर, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंने ब्रेड क्रम लिया है, ये मैंने घर में ही बनाया है। ब्रेड को मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके आप चाहें तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, आप कॉर्नफ्लावर की जगह थोड़ी सी मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। मैंने इसमें ये जो वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, आप इसकी जगह अपनी चॉइस की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, कैरेट वगैरह, मगर इसमें जो भी हमें वेजिटेबल्स यूज करनी है सब स्टीम करके ही करनी है या बॉइल करके ही करनी है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मैश करके इसका इस तरीके से एक डो बना लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और उससे अपनी, ये देखिए इस तरीके से हम इसको, इस तरीके से हम अपनी सारी टिक्कियां जो है ये बना के रख लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी टिक्कियां इस तरीके से बना के तैयार कर ली हैं। अब हम लेंगे एक बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। आप इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम अपनी टिक्की को इस तरीके से इसके अंदर डिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेंगे। सारी टिक्कियां हम इसी तरीके से अपनी तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने अपनी सारी टिक्कियां जो है ये ब्रेड क्रम में इस तरीके से कोट करके रख ली हैं। अब हम इनको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि हमारी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, हमने इसको टिक्की को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए, ताकि हमारी अच्छे से ये ड्राई हो जाए। अब इनको हम जिपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं और जब भी हमें खानी हो हमें सीधा इनको निकाल के फ्राई करके और हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ऑयल रख दिया गरम करने के लिए, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल के अपनी टिक्की जो है फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी टिक्की एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, बाकी सारी टिक्कियाँ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं, ये एकदम क्रिस्पी बनी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए, हमने अपनी टिक्कियाँ जो है ये फ्राई कर ली हैं, ये एकदम बढ़िया बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।